तो जीतू पटवारी के साथ ही साथ वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया जिसमें दिग्विजय सिंह कुछ भी कर सकते हैं, ये वीडी शर्मा ने कहा साथ ही कहा क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, वे दिग्विजय सिंह को चुनौती देता हूं। उन्होंने ये भी कहा दिग्विजय सिंह का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर आज प्रासंगिक हो गए हैं। तो देखिए यहां पर वीडी शर्मा की ओर से दिग्विजय सिंह को चुनौती भी दी और उन्होंने कहा कि मैं चुनौती दिग्विजय सिंह को देता हूं, दिग्विजय सिंह का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, उम्र भी ज्यादा हो गई है, कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे गाली देने से पहले जो बोला वो महत्वपूर्ण था कि भारतीय जनता पार्टी पंच सरपंच पार्षद विधानसभा लोकसभा सब में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो ये उनकी जो मन की पीड़ा है ये उन्हें मुझे लगता है गुस्सा दिलाती है। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है जिसके बल पर मैं खड़ा होता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों के हक और अधिकार पर दिग्विजय सिंह जी आकर डांका डालेंगे तो इसका कड़ा जवाब, और मैं चुनौती भी आपको देता हूं, मैंने कहा था जब अप्रासंगिक हो जाते हैं तो कैसे आप लोगों के सामने आना। इसी प्रकार की गाली गलौज पर लोग उतरते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस की लीडरशिप आज अप्रासंगिक हो गई है। तो वीडी शर्मा को आपने सुना, तो वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के वीडी शर्मा पर दिए बयान पर सियासत भी गरमा गई है। बड़वानी में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने बयान को लेकर दिग्विजय सिंह को नसीहत दे डाली है। सुमेर सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए, उन्हें मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। दिग्विजय सिंह के संबंध में किस किस से है, कौन कौन से उनके संबंध है, मैं बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के संबंध आतंकवादियों से बताए थे, जिसके बाद दिग्विजय ने पलटवार करते हुए उन्हें नपुंसक कहा था। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, उनके मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते हैं। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेषकर हमारा आदिवासी समाज दिग्विजय सिंह की कड़ी भर्त्सना करता है, कड़ी निंदा करता है। देखिए दिग्विजय सिंह के संबंध किन किन से है ये मैं बहुत ज़्यादा उजागर नहीं करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी से खुद पूछ लो, उनके संबंधों का खुलासा अगर करूँ तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। उनके संबंध किससे किससे हैं वो उसी से पूछना।